प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी अटल परीक्षा है सहयोगियों को साथ लेकर क्या वो उतनी मजबूती से काम कर पाएंगे जितने भेदड़क होकर अपने पहले के दो कार्यकाल में करते रहे। प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी संसदीय भाषण में कहा था कि उनका तीसरा कार्यकाल कड़े और बड़े फैसलों वाला होगा। यही संकेत उन्होंने 4 जून को दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में अपने विजयी भाषण में दिए और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका बिग एक्शन जारी रहेगा। कल ही डीएनए में हमने आपको 6 मुद्दों की एक लिस्ट बताई थी जिन्हें लेकर नीतीश और नायडू का प्रधानमंत्री मोदी से टकराव हो सकता है। इसमें पहला मुद्दा यूसीसी है जो मोदी का ड्रीम एजेंडा है, दूसरा जाति जनगणना है जो नीतीश का ड्रीम वादा है, तीसरा एनआरसी है, चौथा वन नेशन वन इलेक्शन है, पांचवा चुनाव क्षेत्र परिसीमन है और छठा विशेष राज्य का दर्जा है। हमारा कल का यह अनुमान काफी हद तक सही निकला है क्योंकि इन मुद्दों पर आज मतभेद और सत्ता पर आए हैं तस्वीर और साफ हुई है। जेडीयू ने आज कहा कि यूसीसी से वो भी सहमत है लेकिन चाहती है कि इसे चर्चा के बाद लाया जाए। यहां चर्चा का मतलब आम सहमति मान सकते हैं और आम सहमति का मतलब विपक्ष को विश्वास में लेना मान सकते हैं। जेडीयू ने आज दूसरा बड़ा ट्रेलर अग्निवीर की समीक्षा का जरूरत बताकर दिया। अग्निवीर का जिक्र कल तक नहीं था, यह आज ही चर्चा में आया। यह इसलिए अहम है क्योंकि अग्निवीर पर अभी तक एनडीए में सवाल नहीं उठते थे, यह सिर्फ इंडिया अलायंस के बीच चुनावी मुद्दा था। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही अग्निवीर स्कीम खत्म करने का चुनावी वादा किया था। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है। जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसों करें। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए ये हमारे दिल और दिमाग में है। अग्निवीर मोदी सरकार के एनडीए के भीतर ही बैकफुट पर ले जाने का प्रयास माना जा सकता है क्योंकि जेडीयू के तुरंत बाद एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान का इंटरव्यू भी चर्चा में है जिसमें उन्होंने भी अग्निवीर स्कीम की समीक्षा की जरूरत बताई है। बीजेपी इसे पॉजिटिव भी ले सकती है क्योंकि चुनाव में अग्निवीर स्कीम को लेकर नाराजगी का असर भी दिखा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार में बीजेपी की सीटें घटी। अनुमान है कि युवा वोटर बीजेपी पर अग्निवीर का गुस्सा उतार रहे हैं। लेकिन जेडीयू की इस मांग को मान लेने का मतलब एक तरह के इंडिया अलायंस के आगे सरेंडर जैसा होगा। विपक्षी दलों के पास प्रचार का भरपूर मसाला होगा कि उसने नीतीश कुमार के जरिए सरकार को झुका लिया। मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया फौज में जाना चाहते थे उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। वहीं बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर जेडीयू का बीजेपी को साफ संकेत है कि ये मांग उसकी लिस्ट में किसी भी वक्त ऊपर आ सकती है और गठबंधन धर्म निभाते हुए भी वो इस मांग को भूलने वाली नहीं है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू एक प्लेटफॉर्म पर है। नायडू ने 2018 में यही मांग पूरी नहीं होने पर एनडीए छोड़ा था। बीजेपी जानती है कि जिस दिन नायडू का मन खट्टा हुआ तो वो विशेष राज्य के दर्जे की ही आड़ लेंगे। विशेष राज्य के दर्जे से वित्तीय बोझ बढ़ने की बात बीजेपी कह चुकी है। ये भी कह चुकी है कि ये मांग सिर्फ राजनीतिक है और एक राज्य की मांग पूरी की तो फिर राज्यों में होड़ मच जाएगी। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी सरकार गिराने में जयललिता का अहम रोल था। वाजपेयी द इयर्स दैट चेंज्ड इंडिया में जिक्र है कि वाजपेयी ने किस तरह जयललिता की मांगों को ठुकराकर निर्णय लिया था कि अब सरकार गिरती है तो गिर ही जाए और फिर हुआ भी वही था। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी यही चैलेंज अभी से दिख रहा है कि वो कब तक और कहां तक मानना है और कब अटल बन जाना है।
जी न्यूज़।